नमस्कार, मैं हूं आपके साथ माधुरी कराल और 2019 आम चुनाव पर सबसे भरोसेमंद शो कौन बनेगा हिंदुस्तान का सरदार में आपका स्वागत है। आम चुनाव से पहले होने वाला हर चुनाव मायने रखता है और इन दोनों सत्ता का सेमीफाइनल चल रहा है कर्नाटक में। इसीलिए तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में भाषण दिया और उसके कर्नाटक कनेक्शन की चर्चाएं होने लगी। देखिए खास रिपोर्ट। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। और बांटने वाले तो तैयार बैठे हैं क्योंकि उनको उनका असूली धर्म निभाना है। नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का दिया गया बयान सुर्खियों में है। धर्म पर भागवत के भाषण को कर्नाटक की चुनावी सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य की सिद्धरमैया सरकार ने लिंगायतों को अलग धर्म की मान्यता देने का फैसला किया था। माना जा रहा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इसी मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। एक ही धर्म मानने वाले हम सब लोग अब संप्रदाय में भी बट रहे हैं और बांटने वाले तो तैयार बैठे हैं क्योंकि उनको उनका असूली धर्म निभाना है। भेद के आधार पर दूसरों को चूसकर खाना ये राक्षसी प्रवृत्ति है, राक्षस धर्म है। उनको भगवान ने वैसा बनाया, वो वैसा करेंगे ही करेंगे। जिनको ये मानव धर्म निभाना है उनका काम है कि चाहे जितने प्रयास हो आपस में न बटे। लिंगायतों पर सिद्धरमैया सरकार के फैसले के विरोध में बीजेपी लगातार आवाज उठा रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस बांटो और राज करो की नीति पर आगे बढ़ रही है और चुनावी फायदे के लिए हिंदुओं को बांटने की कोशिश में लगी है। लिंगायत और वीर शैव लिंगायतों की कर्नाटक में आबादी 17% है। चुनावी कामयाबी के लिए लिंगायतों के साथ हर पार्टी के लिए जरूरी है। सिद्धरमैया सरकार के फैसले के बाद से बीजेपी के लिए राज्य में चुनौती बढ़ चली है। कर्नाटक में बीजेपी ने लिंगायत समाज से ही आने वाले बीएस येदुरप्पा को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया है। माना जा रहा है कि बीजेपी के इस दांव को कुंद करने के लिए सिद्धरमैया ने लिंगायतों को अलग धर्म की मान्यता दे दी। हालांकि इस फैसले के बाद से राज्य में चुनावी राजनीति धर्म और जात के मुद्दे पर आकर टिक गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के अध्यक्ष लगातार लिंगायत समुदाय से जुड़े मठ मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि कर्नाटक के वोटर अब किन मुद्दों को अहमियत देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।